भैया मेरी बात बार 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 क्यों लेके जाते हैं, बार बार क्यों लेके जाते हैं? केले खाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ, सत्य सत्य के साथ रहे। सत्य जब भी झूठ का आवरण लेके आएगा, दिक्कत वहीं से उत्पन्न होती है। और योगी जी ने यही कार्य करने का प्रयास किया है कि सत्य को सामने लाने का प्रयास करो। आप जैसा अभी हमारे अनुराग भाई ने सबसे ऐसे पहले बोला था कि आपके अंदर भी एक सर्टिफिकेशन, हलाला सर्टिफिकेशन। आप जाके सबसे पहले हलाला सर्टिफिकेशन देखते हो और उसके बाद ही खाने की बात करते हो। मुझे बताइए दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरुआत सुनो भाई साहब, एक बार सुनो पंडित जी, हलाला सर्टिफिकेशन एक बार सुनो पहले। अगर जिस कंपनी के पास हलाला सर्टिफिकेशन है उसमें कोई हिंदू काम नहीं कर सकता। ये हलाला सर्टिफिकेशन, अरे मैं बता रहा हूँ, हलाला सर्टिफिकेशन का रूल पकड़ लो जाके। हलाला सर्टिफिकेशन का रूल है, ऐसा नहीं है। भाई साहब एक बात सुन लो गौर करके। अगर मुसलमान अपनी दुकानों पे नाम लिखे तो मेरे जो हिंदू भाई है ना मुजफ्फरनगर में, ये अपनी दुकानों पे बोर्ड लगा दे कि यहाँ से मुसलमान कोई सामान ना ले हमारे से। बस ये अपना ये लिख दे कि अपनी दुकानों पे, भाई साहब ये अपनी दुकानों पे लिखे और लिख के बता दे कि यहाँ मुसलमान हमारे सामान लेने ना आए, हम बाइकॉट कर रहे हैं मुसलमान का, ये लिख दे। भाई साहब छोटी सी बात थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा का स्वागत, मोस्ट वेलकम, मुजफ्फरनगर में उनका बहुत बहुत आभार। और बताओ मुझे अपने धर्म का पालन करने में, हिंदू हूँ क्या मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं? रोक कौन था आपको? आपको कोई रोक रहा है? आप करो ना, बरगलाना गलत है ना, झूठ है, बताइए। प्रोपेगेंडा आपका, पवित्रता दिखाती है कि पानी भी पवित्र के साथ हो, लेकिन अगर अपवित्र, मेरे को कहा जाता है कि बिना नहाए हाथ भी पानी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर तथागति तुरंत सामने वाला व्यक्ति अपने धर्म से विमुख होकर वहाँ आकर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है तो यार राक्षस कृत्य कैसे भैया? मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी से, मैं भी समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, ये मेरे भाई है, हम दोनों भाई एक ही जगह। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप बीजेपी में होते तो आपको समझ में आ जाती, आप बीजेपी में आकर समझ में नहीं आ रहा है। आप जबरदस्ती करके आवाज दबाएंगे। ये प्यार की तो कहानी है जो तुम भाई बता रहे हो। अनुराग जी आप हमारी बात सुन लीजिएगा, मैं सुन रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ, रुकिए आप सुनिएगा। जैसा जबरदस्ती आप उनसे सुन लेना, हमारी भी सुनो। ये जो प्रोपेगेंडा है ना उसके अकॉर्डिंग ना चलो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बना के चलो, इसमें भेदभाव की राजनीति ना करो, आप दफन कर दो इसे। हाकिम भाई फल वाले चले गए। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे मुस्लिम कांवड़ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम के साथ करने में क्या दिक्कत है? नाम बदलने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब मुझे अब डिबेट खत्म होने आ गई मिल नहीं रहा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देश है ना, यहाँ पर मुसलमान दिवाली मनाने का काम करते हैं और हिंदू रमजान मनाने का काम। ये देश जो है विभिन्नता में एकता का देश है, लेकिन जब आप इसके स्वरूप पे, मुसलमान मुसलमान के नाम से ईद मनाता है ना, मुसलमान मुसलमान होकर के होली मनाता है, दिवाली मनाता है, हिंदू 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 होकर के ईद मनाता है, लेकिन कोई मुसलमान अगर हिंदू बनने का नाटक करके होटल खोलेगा, ढाबा खोलेगा, तो आप इसे सही कैसे ठहराएंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भारत का जो स्वरूप है, कोई भी रामायण पढ़िए, बात में जा रहे हनुमान जी को किस प्रकार से साधु बन के बैठ गया वहाँ पर, और साधु बन के बैठ के क्या कर रहा था वहाँ पर? उनका धर्म का रास्ता जो था वो हटवाने का प्रयास कर रहा था। आज यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये जो देश बच रहा है ना, वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान बचा रहा है। संविधान में लिखा हुआ है कि कौन कैसे चलेगा, ना आप इधर चल सकते ना मैं उधर चल सकता, संविधान से देश चलेगा। और हम लोग समाजवादी लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, केवल हमेशा देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई। रंगरेज साहब किधर चले गए? MIM से रंगरेज साहब किधर चले गए? अंतिम ले लो, मैं बिना किसी अलंकार लगाए, बिना किसी अलंकरण के, एक सीधा सा विषय यह था आपका, जो बहुत वाजिब था और बहुत पॉजिटिव बात थी, कि केवल ये होटलों के लिए था कि जो नाम इन्होंने हिंदू नाम पर रख रखे हैं और देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं, क्या वो जायज है? केवल ये आपका विषय था और इस पर मेरा सबमिशन पहले भी यही था और मेरा आज भी यही है। भारतीय जनता पार्टी के नाते, हिंदू के नाते, एक हिंदू एक्टिविस्ट के नाते, के उन्हें नहीं लगाना चाहिए। और जैसे मैंने अपना नाम अपने बोर्ड पर लिखा है कि मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा हूँ, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, और दुनिया को दिखाई दे रहा
आप उस होटल के बाहर में केवल अपना नाम लिखने में क्या बुराई मान रहे हैं। बस मेरा केवल इतना कहना है कि ये शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बिल्कुल उचित कदम है। 240 किलोमीटर के रास्ते पर ये आदेश लागू है और केवल जब तक कांवड़ यात्रा निकल रही है तब तक ये आदेश लागू है। मुसलमान कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन शर्त बस ये है कि वो अपनी पहचान को उजागर करें। मसलन ये हाकिम फल वाले का फ्रूट है, ये उनके दुकान से खरीदा हुआ केला है। उन्होंने लिखा है हाकिम फल वाला, मुझे इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसे खा भी सकता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन दहशत तो ये है ना कि मुसलमान को देख के मुसलमान का नाम है, अगर कावड़ियों से झगड़ा हो गया किसी बात को लेके तो बवाल मच जाएगा। बिल्कुल, इसलिए आदमी जो है डरता है। नहीं नहीं नहीं, और डर के उस नाम को नाम नहीं। योगी सरकार ये कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस पहचान छुपा करके कोई भी काम गलत मंशा के साथ मत कीजिए। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मुझे यहाँ ऐसा कोई द्वेष नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि केवल बात को समझने का फेर है और समय रहते इसमें भी सुधार आ जाएगा और जिन लोगों की ये बात, ये आदेश समझ में नहीं आ रहा है शायद उनकी भी समझ में आ जाएगा। ताल ठोके में आज इतना ही, कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता सिमको, ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी।